morning, dear all students. How are you all? Hope you all are fine. So today we will discuss about assignment 2 of class 2, chapter 2 रहेगा हमारा, जिसका नाम है The Plants Our Friends. आज हम लोग इसका असाइनमेंट जो हम लोग आपको दिए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के 3 यूज का नाम लिखना है. तो इसका आंसर होगा, 3 यूजेस ऑफ प्लांट्स आर ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, फूड टू ईट एंड लास्ट वुड टू मेक फर्नीचर. यानी कि प्लांट्स के 3 उपयोगी का नाम लिखना था, तो हम लोग ने लिखा ऑक्सीजन, जिसको हम लोग सांस लेने में यूज करते हैं, फूड जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं, एंड लास्ट वुड जिसको हम लोग फर्नीचर के रूप में यूज करते हैं. तो आपका ये क्लियर हो गया है, आप लोग इसको साथ में लिखते चलेंगे. सेकेंड है हमारा, हु आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स, हमारे ग्रीन फ्रेंड्स कौन कहलाते हैं. तो आप लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा है कि हम लोगों का जो ग्रीन फ्रेंड्स है वो हमारे प्लांट्स कहलाते हैं. तो इसका आंसर होगा, प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डज अ मैन ब्रीथ इन अ वन डे, यानी कि एक जो आदमी है, कोई भी एक आदमी, वो एक दिन में कितना सांस ले सकता है. तो अ पर्सन ब्रीथ्स अबाउट 70,280 to 23,040 टाइम्स इन अ वन डे, यानी कि एक प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 17,280 से 23,040 टाइम्स, इतने टाइम्स तक ले सकता है, यानी कि इतने बार वो एक दिन में सांस लेता है. फिर नेक्स्ट है हमारा, व्हाई वी नीड फूड, हमें फूड की जरूरत क्यों होती है, यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसकी जरूरत हमें क्यों होती है. इसका आंसर होगा, वी नीड फूड टू ईट, यानी कि भोजन हम लोग क्यों लेते हैं, खाने के लिए. खाते क्यों है, बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. जो भोजन हम लोग लेते हैं वो हमें वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए, कुछ भी अगर हम खेल रहे हैं या कुछ भी करें तो हमारे जब तक शरीर में एनर्जी नहीं रहती है तब तक हम नहीं कोई भी काम को संपादित कर पाते हैं. तो उस एनर्जी को पाने के लिए, यानी कि एनर्जी कैसे आएगा, उसके लिए हम लोग भोजन करते हैं और ये हमें बॉडी को स्ट्रांग रखने में, हमें हमारी ग्रो करने में भी हमारी सहायता करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम टू प्लांट्स सच हूज वी ईट रूट्स, यानी कि ऐसे 2 प्लांट्स का नाम लिखना है जिसका हम लोग जड़ खाते हैं. इसका आंसर होगा, वी ईट रूट्स ऑफ रेडिश, कैरोट एंड टर्निप, यानी कि ये जो 3 प्लांट्स है इनके हम लोग रूट को खाते हैं. नेक्स्ट है, नेम 3 प्लांट्स सच हूज ईट सीड्स, फिर 3 ऐसे प्लांट्स का नाम लिखना है जिसके हम लोग बीज खाते हैं. तो इसका आंसर है, वी ईट द सीड्स ऑफ वीट प्लांट्स, राइस प्लांट्स एंड लास्ट पल्स प्लांट, यानी कि चावल, दाल, गेहूं, ये सब जो है उसके हम लोग सीड खाते हैं. उसका कोई फल नहीं होता, उसमें हम लोग उसका सीड खाते हैं, यानी कि बीज खाते हैं. नेक्स्ट है, नेम 3 प्लांट्स सच हूज वी ईट लीव्स, यानी कि ऐसे 3 प्लांट्स का नाम लिखना है जिसका हम लोग पत्ते खाते हैं. तो वी ईट लीव्स ऑफ कैबेज, स्पेनिश एंड तुलसी, यानी कि 3 ऐसे पेड़ है जिसके हम लोग पत्ते को खाते हैं. तुलसी भी हम लोग खाते हैं, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही हेल्दी है. नेक्स्ट है, नेम 3 प्लांट्स सच हूज वी ईट लीव्स हो गया. नेम 5 प्लांट्स सच हूज वी ईट फ्रूट्स, यानी कि 5 ऐसे प्लांट्स का नाम लिखना है जिसका हम लोग ये फ्रूट्स को खाते हैं. तो इसमें हो जाएगा आपका, वी ईट फ्रूट्स ऑफ एप्पल, बनाना, मैंगो, पपाया एंड गुआवा, यानी कि ये 5ों पेड़, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन आपका 5 पूछ रहा है, तो हम लोगों ने 5 का इसका आंसर देना है. तो इन सारे जो पेड़ होते हैं इसके हम लोग फल खाते हैं. तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. राइट द नेम ऑफ 5 स्ट्रेच आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ वुड, यानी कि हम लोगों को 5 ऐसे प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है, आइटम्स का नाम लिखना है जो लकड़ी से बना हुआ है. तो हम लोग लिखेंगे टेबल, चेयर, विंडो, डोर एंड पेंसिल. ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं वो सब किस चीज का बना हुआ है, पेंसिल का बना हुआ, सॉरी वुड का बना हुआ है. आप लोग चाहे तो इसकी जगह पे कुछ और भी, अगर आप लोगों के माइंड में आना कि आप लोग उसका भी यूज कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू वी ब्रीथ इन, हम लोग सांस में क्या लेते हैं. तो हम लोगों को सांस में किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की. तो वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, हम लोग सांस में ऑक्सीजन लेते हैं.
नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ फाइव प्लांट्स प्रोडक्ट्स। अब हम लोगों को फाइव प्लांट्स प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है जो हमें पेड़ से प्राप्त होती है। तो फाइव प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर पेपर, मेडिसिन, गम, रबर एंड परफ्यूम। ये जो पांच प्रोडक्ट्स है वो हमें पेड़ से प्राप्त होती है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है लेकिन हम लोगों के लिए पांच मेंशन किया है, सो हम लोग पांच ही लिखेंगे। नेक्स्ट है विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी यूज टू ईट। हम लोग प्लांट्स का कौन कौन सा भाग खाने में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर होगा वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट, लीव्स, सीड्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। यानी कि हम लोग पेड़ का बहुत से भाग को खाते हैं, जैसे में जड़, तना, फूल, किसी किसी का फल, सबका मतलब अलग अलग प्रकार के जो पेड़ होते हैं उसके अलग अलग प्रकार के पार्ट्स को हम लोग खाते हैं। ये सब आप लोग पढ़े भी हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर राइट टू यूजेस ऑफ जूट। यानी कि जूट के हमें जूट से बना हुआ दो ऐसे पदार्थ प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है जो जूट का बना हुआ है। तो लिखेंगे जूट इज यूज टू मेक बैग्स एंड मैट्स। यानी कि बैग और मैट बनाने में किस चीज का यूज किया जाता है, जूट का यूज किया जाता है। और जूट भी हमारा प्लांट्स प्रोडक्ट्स ही है। नेक्स्ट है डस अ प्लांट मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे सराउंडिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं। देन इसका आंसर होगा यस, प्लांट्स मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है नेक्स्ट और असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाई वी शुड प्रोटेक्ट एंड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। हमें अपने चारों तरफ प्लांट्स अधिक से अधिक क्यों लगाने चाहिए या प्लांट्स जो है उसकी हम लोगों को सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे प्लांट्स गिव अस क्लॉथ, ऑक्सीजन, फूड, वुड एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। दे आर हेल्पिंग अस इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड, सो वी शुड प्रोटेक्ट एंड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। यानी कि प्लांट जो है वो हमें बहुत चीज प्रोवाइड करता है, जैसे में क्लॉथ्स, ऑक्सीजन, वुड एंड मेनी मोर थिंग्स विच इज वेरी यूजफुल फॉर अस। सो और हम लोग ये भी देखेंगे कि प्लांट जो है वो लगभग हमारे सारे फील्ड्स में हमारी मदद करते हैं। अगर हमें किसी चीज पे बैठ रहे हैं तो वो चेयर भी है वो भी किस चीज का बना हुआ है, पेड़ का ही बना हुआ है। अगर खा रहे हैं वो भी पेड़ से ही है। यानी कि लगभग सारे फील्ड में हमारी पेड़ मदद करते हैं, हमारे लिए यूजफुल है। इसलिए हमें पेड़ को पेड़ की सुरक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं और जो भी वर्ड्स मैंने दिया वो सब आप लोग याद कर लेंगे। और अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसमें एक्सरसाइज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जो ऑप्शन दे रखा है उसमें जो सही है उसको आपको टिक करना है। जिसका फर्स्ट है डैश इज द रूट ऑफ प्लांट। यानी कि इनमें से कौन है जो प्लांट का रूट है। आप लोग बुक देखेंगे और सारे ऑप्शन को देखेंगे, उसमें से आपका जो कैरेट है वो सही ऑप्शन है। यानी कि कैरेट ही प्लांट्स का रूट वाला भाग है जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। सेकेंड है वी ईट द सीड्स ऑफ डैश प्लांट्स। हम लोग कौन से पेड़ का सीड खाते हैं, जिसमें टर्निप, वीट एंड कैबेज दिया हुआ है। तो इन सभी में हम लोग वीट का यानी कि गेहूं का सीड वाला पार्ट खाते हैं, यानी कि बीज खाते हैं। नेक्स्ट है जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जूट जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो जूट हमें प्लांट से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं एनिमल्स, सिल्कवर्म्स एंड प्लांट्स। तो हमें जूट प्लांट से प्राप्त होता है, ये आप लोगों ने एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, तो हम लोग इसमें प्लांट्स में टिक करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग यूज टू मेक रोप्स, बैग्स एंड मैट्स। यानी कि इन सब में से कौन है जो इन सब चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपका कॉटन, जूट एंड लिनन। तो इन सभी में आपका ऑप्शन में से होगा जूट। यानी कि अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर में भी देखे थे कि जूट का अगर दो यूज लिखना था तो हम लोग रॉप्स एंड मैट्स लिखे थे। यानी कि इन सब चीजों को बनाने में जूट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्लांट्स गिव अस डैश टू ईट। प्लांट्स हमें खाने में क्या देती है, तो वुड, कॉटन, फूड। तो हम लोगों को खाने के लिए फूड देती है, तो आप लोग फूड में सही टिक कर देंगे। नेक्स्ट है बी नंबर कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन। यानी कि जो वर्ड्स दे रखे हैं नीचे उनमें से आप लोगों को सिलेक्ट करके एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जिसका फर्स्ट है प्लांट्स गिव्स अस डैश टू ब्रीथ। प्लांट्स जो है वो हमें सांस लेने के लिए क्या देती है, तो वो हमें ऑक्सीजन देती है। नेक्स्ट फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले। फूड जो है वो क्या देती है,
वर्क करने के लिए, फील करने के लिए, तो हमें एनर्जी देते हैं। आप लोग एनर्जी फील करते चलेंगे। नेक्स्ट है वुड इज बर्न फॉर टैक्स इन चूल्हास। वुड जो है वो विलेज में, गांव में चूल्हा के लिए किस चीज के लिए वुड यूज किया जाता था, तो फायर के लिए यूज किया जाता था। इसमें आप लोग फायर फील करेंगे। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू मेक रोप्स एंड बैग्स, यानी कि कौन है जो रोप्स एंड बैग्स बनाने में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूट। जूट को हम लोग यूज करते हैं चटाई बनाने में, बैग बनाने में। नेक्स्ट है प्लांट्स मेक्स आवर सराउंडिंग गैस, तो प्लांट्स जो है हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो है वो हमारे सराउंडिंग को, हमारे चारों तरफ एरिया को ब्यूटीफुल बनाता है। नेक्स्ट है हमारा सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी कि हमें ट्रू फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि सही है या गलत है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज अ टाइप ऑफ प्लांट्स, ऑक्सीजन जो है वो पेड़ का एक प्रकार है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हवा है न कि पेड़ का प्लांट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हम लोग इसमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉल्स लगाएंगे। नेक्स्ट है वी ईट द लीव्स ऑफ कैबेज प्लांट्स, यानी कि हम लोग कैबेज प्लांट के पत्ते को खाते हैं, तो सही बात है, हम लोग कैबेज की पत्तियां खाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रू। पेपर एंड गम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग ने पढ़ा है कि पेपर और जो गम है वो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है प्लांट्स नीड नॉट टू बी प्रोटेक्टेड, यानी कि प्लांट्स को हम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्लांट्स को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉल्स। वी ईट ओनली फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, हम लोग केवल प्लांट्स का फ्रूट्स खाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि हम लोग प्लांट्स का बहुत सारे पार्ट्स को खाते हैं, केवल फ्रूट्स नहीं खाते, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट आइए हम लोग मैच द फ्लोइंग, यानी कि मैच करना है आप लोगों को, सही पेयर देख के उसमें मैच करना है, इसके जो भी आंसर होते हैं मैं सामने सामने लिखती हूँ। जैसे रेडिस, तो रेडिस का हम लोग क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। कैबेज, कैबेज का लीव्स खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। उसके बाद है राइस, राइस का हम लोग सीड्स खाते हैं। नेक्स्ट है लिनन, क्लॉथ्स, लिनन जो भी होते हैं उसका हम लोग कपड़े बनाते हैं। एंड टेबल, टेबल किससे बनती है, तो वुड से बनती है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखेंगे, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन दे रहे थे उसका आंसर करना है। व्हाट डू वी ब्रीथ इन, ये जो क्वेश्चन है वो मैंने अपने असाइनमेंट में अभी डिस्कस की हूँ, जस्ट की हूँ, आप लोग चाहते हो उस आंसर को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सब मैं अपने असाइनमेंट में बना चुकी हूँ, आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो वही आंसर इसमें मेंशन कर सकते हैं, आपका चैप्टर यहीं पे कम्प्लीट हो जाएगा। आप लोग को अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, असाइनमेंट में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग इसको वीडियो को बैक करें या कैमरा को पॉज करके आप लोग इसको अच्छे से नोटबुक में बनाएं और इसको याद करें। थैंक यू।